व्यापार मंडल हमीरपुर का गठन कर लिया गया है। हमीरपुर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन कर व्यापार मंडल के नए पदाधिकारियों की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। अनिल सोनी को हमीरपुर नगर व्यापार मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, जबकि व्यापार मंडल के चेयरमैन विपिन शर्मा को चुना गया है। सभी व्यापारियों के प्रति आभार जताते हुए उनके हित की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। इसमें कई व्यापारियों ने भाग लिया। नवनियुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष अनिल सोनी ने जानकारी दी है कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल हमेशा सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण एवं बाजार में ट्रैफिक जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर व्यापार मंडल प्रशासन का भरपूर सहयोग करेगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर व्यापार मंडल में सभी वर्गों एवं वार्डो के व्यापारी शामिल किए गए हैं तथा अब पूर्व के सभी मतभेद समाप्त कर पूरा व्यापार मंडल एक है। अनिल सोनी के अनुसार अश्वनी जगोता को वरिष्ठ उप प्रधान, राजेंद्र सोनी महासचिव, मुनीश पुरी कोषाध्यक्ष तथा विनोद पुरी को वित्त सचिव का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष पद पर जोगिंदर बल्लाल, मनोज शर्मा, सुरेश हांडा, अजय वर्मा, नरोत्तम आर्य, राकेश गुप्ता, संजीव पटियाल, अशोक शर्मा, जगन्नाथ, सुरजीत गौतम एवं सुशील कुमार की नियुक्ति की गई है। इसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव का पद जसवंत राणा तथा सचिव के पद पर विनोद चोपड़ा, सुभाष शर्मा, जितेंद्र पुरी, विपिन ठाकुर, अरुण पटियाल, शुभम शर्मा, अजय शर्मा, सुनील ठाकुर, गौरव शर्मा व विनय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। सुमित ठाकुर को आईटी सेल व प्रेस सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश सेवानिवृत्त पुलिस कल्याणकारी संघ जिला हमीरपुर की मासिक बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में चेयरमैन जगदीश चंद शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रधान ब्रह्मदास और उप प्रधान बलवीर के अलावा अन्य कई सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सह सचिव रफोदास, सलाहकार ज्ञानचंद, प्रीतम सिंह तथा कोषाध्यक्ष लवकेश होशियार सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक में सेवानिवृत्तों द्वारा कई मुद्दे उठाए गए, जिनमें प्रमुख मुद्दे कई अरसों से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है। जिसके कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदस्यों द्वारा अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने पर नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया गया और जिन कर्मचारियों को पे ग्रेड नहीं मिल रहा है वे कांगड़ा जिला के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संपर्क करें ताकि इसका समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि आम जनता से अनुरोध है कि नवीनतम वाहन अधिनियम के संशोधन को निजी हित के समक्ष रखते हुए उनका कड़ाई से पालन करें और पुलिस प्रशासन का भी पूरा पूरा सहयोग दें। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार 70 mm से अधिक आकार का बीज डाला जाएगा। इस बाबत प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसके तहत गोविंद सागर में मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता की देखरेख में 4.19 लाख मछली बीज डाला गया, जबकि कुल 10 से 12 लाख सिल्वर कार्प प्रजाति की मछली का बीज डालने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अलावा पोंग डैम, चमेरा और कोल डैम में भी पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक बीज डालने का निर्णय लिया है। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि इस बार गोविंद सागर में मछली की बेहतर ग्रोथ पाई गई है, जिसके तहत पिछले साल की तुलना में इस बार ज्यादा मछली बीज डालने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 4,19,000 मछली बीज डाला गया। उन्होंने बताया कि गोविंद सागर जलाशय में 10 से 12 लाख मछली बीज डालने की योजना है। पश्चिम बंगाल से बीज मंगवाया गया है, जल्द ही अगली खेप बिलासपुर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में स्थापित फार्मों में उत्पादित बीज भी जलाशयों में डाला जाएगा तथा पोंग डैम में 8 से 10 लाख मछली बीज डाला जाएगा और इस जलाशय में भारतीय मेजर कार्प, रोहू, मृगल व कतला प्रजाति का बीज डाला जाएगा। सतपाल मेहता के अनुसार चिमेरा डैम में सिल्वर कार्प का 2 लाख बीज डाला जाएगा, जबकि कोल डैम में 3 से 4 लाख मछली बीज डाला जाएगा।
उन्होंने बताया कि मछली की पैदावार बढ़ाने के मकसद से इस बार जलाशयों में सुनियोजित तकनीक से बीज डाला जा रहा है, जिसके आने वाले समय में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मत्स्य निदेशक सतपाल मेहता ने बताया कि बाखरा डैम में भी जल्द ही केज में सिल्वर कार्प का 20 से 25 mm का बीज डाला जाएगा। बाखरा में कुल 28 केज हैं और एक केज में 8 से 10 हजार बीज डाला जाएगा। उन्होंने बताया कि मछली का आकार 100 mm होने पर इसे जलाशय में डाल दिया जाता है। केज में मछली सही ग्रोथ करती है। 1.5 से 2 लाख मछली बीज डालने की योजना है।